हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SPL डिजिटल क्लब। आज हम आपके लिए आए NTPC का जो सेट 5 चल रहा है उसका हम GK और GS करेंट अफेयर का जो पोर्शन है उसको लेके चलते हैं। तो हम देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आपका क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन है। फर्स्ट GK का देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में कौन सी घटना भूकंप का कारण है। तो ये इसके ऑप्शन के देखिएगा, टिड्डियों के हमले, तूफान, चंद्रग्रहण, ज्वालामुखी विस्फोट। तो सही आंसर क्या होगा आपका, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण क्या होता है, भूकंप आती है। नेक्स्ट आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देखिए, आप पूरा वीडियो देखिएगा यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन उससे संबंधित क्वेश्चन बताएंगे, जो कि आपको लगभग ये क्वेश्चन अगर 40 क्वेश्चन है तो आपको लगभग 100 ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तो नेक्स्ट आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर आपका 2 के बाद 3 नंबर भी था। तो 3 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, DPT वैक्सीन में P किसे संदर्भित करता है। DPT वैक्सीन में देखिए, DPT वैक्सीन में देखिए DPT, डी होगा डिप्थीरिया, पी होगा पर्टुसिस और टी होगा टेटनस। याद रखना है DPT का जो टीका लगाया जाता है वो 3 बीमारियों से बचाव के लिए, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था आपका कि DPT वैक्सीन P किसे संदर्भित करता है। तो देख सकते हैं P क्या होता है आपका, पर्टुसिस को संदर्भित करता है। नेक्स्ट देखिएगा आपका, इसी में हम देखते हैं ये जो DPT का टीका होता है 6, 10, 14 सप्ताह और फिर हम बात करें 16 से 24 माह में लगाया जाता है DPT का टीका। नेक्स्ट आपका अगर देखेंगे 3 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा। तो देखिए, यदि आपका वजन क्या है, पृथ्वी पर 38 kg है, हाँ, तो बुध पे क्या होगा, तो बुध पे आपका होगा 14 पॉइंट आपका देखिएगा आंसर हो जाएगा 14.3 kg। तो देखिए यहाँ पर चूंकि आपका यहाँ पर पूछा गया वजन कितना होगा, तो यदि कि अगर देता आपका केजी में तो समान होनी चाहिए, लेकिन बट यहाँ पर आपका जैसा पूछा गया वजन तरह से भार होगा, तो उसके अनुसार क्योंकि लगभग जो होता है पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण बुध के गुरुत्व त्वरण के 2.5 गुना होता है, लगभग 2.5 गुना होता है, तो उस तरह से क्या होगा 2.5 भागा लगभग, क्योंकि जानते हैं गुरुत्व त्वरण दोगुना करेंगे तो वस्तु का भार भी दोगुना हो जाएगा। तो जो बुध का गुरुत्व त्वरण है पृथ्वी की तुलना में लगभग 2.5 भागा है, इसलिए यहाँ पर 2.5 भागा सब लगभग कर दीजिएगा तो 14 पॉइंट कुछ आएगा। तो यहाँ देख सकते हैं आपका 14.3 किलोग्राम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, डैश प्रकंद का एक उदाहरण है। तो देखिए प्रकंद यानी राइजोम, तो अदरक एक तना है और तना में अलग अलग प्रकार के पढ़िएगा, सलकंद, प्रकंद, कंद, मूल कंद, ये सब स्पेशल हमारा बायोलॉजी का क्लास जब आएगा वहां पर आप बहुत अच्छी तरह से तना के प्रकार है जो पत्तियों का क्या काम है अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए याद रखें आपका अदरक क्या प्रकंद का उदाहरण, एक तना ही है, तना में प्रकंद है। नेक्स्ट आपका देखेंगे 12 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर है 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन 21 है, चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है। तो चंद्रशेखर सीमा किस पर, ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन है सितारों पर, ज्वालामुखी पर, प्रकाश गति पर, वनस्पति जीव पर। तो याद रखना आपका तारों के उम्र जो होता है इसी पर लगाया जाता है, चंद्रशेखर सीमा तारों से संबंधित है। और ये समझिए भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक थे चंद्रशेखर, जो थे महान वैज्ञानिक थे चंद्रशेखर, भारतीय मूल के अमेरिकी के नागरिक थे। और इन्होंने ब्लैक होल सीमा को भी दर्शाया था, ब्लैक होल सीमा, और इसके लिए इन्होंने इस कारण 1983 में, इसको याद रखना 1983 में चंद्रशेखर को आपको नोबेल प्राइज मिला दिया गया था, क्योंकि ये ब्लैक होल ब्लैक क्षेत्र की संबंधित रचना दिए थे। नेक्स्ट आपका देखेंगे 21 का 22 में क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक साइकेट्रिस्ट है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन देखते, तो आप देखिएगा ऑप्शन है ओलिवर गोल्डस्मिथ, नील्स बोर, सिगमंड फ्रॉयड, आइजक न्यूटन। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका देखेंगे सिगमंड फ्रॉयड, क्योंकि हम जानते हैं नील्स बोर है कि आपका
क्या थे, मनोवैज्ञानिक नहीं थे ये आपका नील्स बोर परमाणु मॉडल भी दिए थे, आइजैक न्यूटन जानते ही क्या भौतिक शास्त्री थे। नेक्स्ट आपको देखेंगे 22 के बाद क्वेश्चन नंबर आपका बर्लिन की दीवार किस वर्ष गिराई गई थी, 25 नंबर क्वेश्चन है और इसका सही आंसर होगा 1989 में, 1989 में ये गिराया गया था बर्लिन की दीवार। उसके बारे में विशेष देखना है तो आपको उत्तरी इसमें जर्मनी उत्तरी एवं दक्षिणी दो भागों में बांटा गया दीवार। नेक्स्ट आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, यूमामी क्या है। तो देखिए यूमामी होता है जीव पर जो स्वाद का अलग अलग भाग होता है, इसी को हम यूमामी कहते हैं। इसमें देखेंगे तो यहाँ पर अलग अलग भाग होता है ना यूमामी, तो ये होगा आपका एक तरह से आंसर क्या होगा, स्वाद का एक प्रकार है, जीव पर अलग अलग प्रकार का स्वाद होता है उसमें यूमामी स्वाद का एक प्रकार है। स्पेशल आप वीडियो देखिएगा जीव पर आपका कलिका किधर आपका नमकीन का भाग होता है किधर करवा वो सब आपको बताएंगे। अब देखते हैं 27 के बाद क्वेश्चन नंबर आपका 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रदूषण में सूचकांक SPM का पूर्ण रूप। तो देखिए SPM सस्पेंडेड SPM पार्टिकल होगा पार्टिकल और यहाँ पर देखिए मैटर। नेक्स्ट क्या देखते हैं पार्टिकुलेट। नेक्स्ट आपका देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता था, सत्यजीत राय पिछले जब सेट अप में आप बताए तो इसमें आपको बताया गया था 1992 में इन्हें ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था फिल्म निर्देशन के लिए, सत्यजीत राय। ये पूछा जाता बार बार क्वेश्चन पूछा जाता इसलिए याद रखियेगा, सत्यजीत राय को 1992 में दिया गया था ऑस्कर पुरस्कार। नेक्स्ट आपका देखेंगे उसके बाद आपका 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये सॉरी 29 तो आपका होगा, 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसके अधिकतम पैर होते हैं। यहाँ पर आपका देखें अधिकतम पैर किसके होते हैं, ऑप्शन देखिएगा तो मकरी, सहस्त्रपाद, ब्याद पतंग और गोजर। तो यहाँ पर स्पष्ट है सहस्त्रपाद मतलब जो हजारों पैर, नाम से ही पता लग रहा है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका सहस्त्रपाद। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए ये जानिएगा आर्थोपोडा संगमाता, स्पेशल हम आपको बताएंगे जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन होता है, आर्थोपोडा होता है। इसमें आपका छोटे छोटे कीट चींटी उटी सभी आ जाते हैं आर्थोपोडा में। और दूसरा सबसे बड़ा संघ होगा तो मोलस्का होगा। आप पूरा देखिएगा जंतु जगत और पादप जगत का एक भी क्वेश्चन अगर आप हमारे वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तो नहीं होगा, क्योंकि अभी हम बायोलॉजी क्लास चल रहे हैं, क्लास हुआ आगे क्लास होगा। नेक्स्ट आपका देखेंगे 30 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर आपका 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, किस टेनिस खिलाड़ी ने अधिकतम ग्रैंड स्लैम जीता है। तो याद होगा रोजर फेडरर सबसे अधिक जीते हैं, रोजर फेडरर। और ये जानते हैं कहाँ के हैं, स्विट्जरलैंड के हैं, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इसके बाद देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, तो 38 आपका मैथ का क्वेश्चन था, तो 39 नंबर क्वेश्चन है लीमर क्या है। देखिए लीमर एक ये मेडागास्कर में पाया जाने वाला जानवर है, मेडागास्कर में पाया वाला क्या है जानवर है। और इसके बारे में जानना है ये क्या है, हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर, पढ़िएगा तो हिंद महासागर में स्थित है, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है ये, हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट आपको देखो 39 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 41 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 41 निम्नलिखित में किन कणों में सकारात्मक आवेश है, सकारात्मक क्या होगा आपका पॉजिटिव प्लस में। तो जानते हैं प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, मतलब क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन क्या होता है आपका नो आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन आपका निगेटिव होता है। तो नेक्स्ट देखेंगे आपका, और क्रिप्टन तो जानते हैं क्या होगा आपका अक्रिय गैस है। नेक्स्ट आपको देखेंगे द लास्ट सफर के लेखक, याद रखना लास्ट सफर ये आपका लियोनार्डो दा विंची है,
द विंची, याद रखना ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। यहाँ पर आपको इसके आगे देखिएगा, यहाँ पर एक और चीज इसकी प्रमुख याद रखना है मोनालिसा, मोनालिसा याद रखना, मोनालिसा भी इसी के रचना है। नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका देखिए लास्ट जजमेंट, यहाँ पर देखना है ये चीज आपको दोनों आपको याद रखना, लास्ट जजमेंट दोनों में अंतर देखिए। ये आपका लास्ट सफर होगा लियोनार्डो दा विंची का है और इसी का चित्र है मोनालिसा, ये भी बहुत ही फेमस चित्र है, इसको भी आप याद रखिएगा दोनों का। और ये पर जो आपको बता रहे हैं लास्ट जजमेंट, इसका है पिकासो, इसका जो आपका ये चित्र किसका है पिकासो का है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपका 43 के बाद क्वेश्चन नंबर आपका 44 ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखना ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है, इसे आप इसे समझ सकते हैं कि बी स्क्वायर पी स्क्वायर, आप ये पी रखिए बी रखिए इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और एच स्क्वायर ये संबंध याद होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, पाइथागोरस, पाइथागोरस को कहा जाता है ज्यामिति का पिता। नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन में 44 के बाद देखिए क्वेश्चन आपका 46 नंबर क्वेश्चन है 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे, तो 2012 ग्रीष्म ओलंपिक भारत ने 6 पदक जीते थे याद रखना, और सबसे जो अधिक पदक जीते थे इन्होंने कुश्ती में जीते थे। नेक्स्ट आपका देखेंगे 46 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है, तो जानते हैं बुर्ज खलीफा है, जो दुबई में सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा। नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ से आगे क्वेश्चन नंबर आपका 52 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित भाषाओं में कौन सी भाषा चित्र अक्षरों में का उपयोग करती है, मतलब क्या वो भाषा जब लिखते हैं तो चित्र का अक्षर के रूप में प्रयोग करते हैं, तो याद ऑप्शन के अनुसार देखिएगा जापानी, जापानी जो भाषा होता है चित्र अक्षर में लिखा जाता है। नेक्स्ट आपका देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में प्राचीन संस्कृतम शब्दकोश कौन सा है, शब्दकोश पूछ रहा है सबसे प्राचीन संस्कृत का शब्दकोश, तो यहाँ पर आपका अमरकोश होगा आंसर, देख लीजिएगा अमरकोश याद रखना आपको अमरकोश। कामरूप का प्राचीनतम मंदिर साम्राज्य किस राज्य में है, कामरूप का प्राचीनतम साम्राज्य किस राज्य में है, तो देखिए कामरूप याद रखना, कामरूप जो है कामाख्या, कामाख्या देवी, और जानते हैं कामाख्या देवी का मंदिर कहाँ है गुवाहाटी, गुवाहाटी कहाँ आप तो जानते ही होंगे असम में, और ये जो तंत्र विद्या के लिए प्रसिद्ध है कामाख्या देवी मंदिर, और यही कामरूप का जो साम्राज्य था वही आपका कामाख्या देवी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका 55 के बाद क्वेश्चन नंबर आपका 56 है, 56 नंबर क्वेश्चन कहता है शब्द राडार का पूर्ण रूप क्या होगा, तो रडार का पूर्ण रूप अब जब हम ध्वनि पढ़ाए थे उसमें आपको बताए थे रडार क्या है, ये किसका उपयोग क्यों होता है, तो होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैगिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रैगिंग, रेडियो आर रेडियो डिटेक्शन एंड रैगिंग याद रखें रडार का पूर्ण रूप। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा मतलब खावर सोडा, बेकिंग सोडा मतलब होता है खावर, बेकरी बनाने वाला यानी बिस्कुट बनाने वाला, तो हम कहते हैं खावर सोडा, बेकिंग सोडा मतलब खावर सोडा, सोडियम बायकार्बोनेट, केमिकल नेम जानिएगा तो सोडियम बायकार्बोनेट, सोडियम बायकार्बोनेट, सोडियम बायकार्बोनेट। तो यहाँ पर आपका क्या क्वेश्चन था कि बेकिंग सोडा क्या है, तो सोडियम बायकार्बोनेट है याद रखना, और जब इसको आप गर्म कीजिएगा सोडियम बायकार्बोनेट को, देखिए आप जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है, तो बनेगा आपका Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, प्लस पढ़ेंगे तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, आप प्लस पढ़ेंगे तो जल, ये सभी आपका बनता है इससे, जब धोबन सोडा खावर सोडा को गर्म करने पर याद रखना, जब खावर सोडा को आप गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, इसलिए जो होता है जब हम पढ़ेंगे कि अग्निशामक सोडा, अग्निशामक में खावर सोडा का प्रयोग क्यों होता है, क्योंकि ये गर्म होने पर क्या करती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस देती है जो क्या करता आग को बुझने में मदद करती है। नेक्स्ट आपका देखेंगे 56 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 57 हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 57 के बाद देखेंगे तो आपका 61 नंबर क्वेश्चन है स्वेज नहर भूमध्य सागर किस सागर से जुड़ती है,
तो स्वेज नदी लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट देखेंगे एक्सट के बाद आपका क्वेश्चन नंबर, और स्वेज नहर के बारे में जाना, इसका निर्माण 1969 में हुआ था, 1969 में इसका निर्माण हुआ था स्वेज नहर का। अब आगे हम बात करेंगे 61 के बाद का क्वेश्चन नंबर 62। 62 नंबर क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र कितना, रिटायरमेंट कितना होता है, तो याद रखें आपका 65 वर्ष। नेक्स्ट है 64 नंबर आपका क्वेश्चन की टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2015 किसे घोषित किया गया, तो याद रखें 2015 का जो टाइम पर्सन दिया गया था उसमें का करेंट अफेयर था। नेक्स्ट आपका सेशन में आएगा तो इसका आंसर हो जाएगा आपका व्लादिमीर पुतिन, जानते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिया जाता है, देखिए राष्ट्रपति की बात करेंगे हम तो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश हम कह सकते हैं, शपथ दिलवाता कौन राष्ट्रपति को, सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट यानी भारत की मुख्य न्यायाधीश। और राष्ट्रपति त्याग पत्र किसे देगा, त्याग पत्र देगा ये उपराष्ट्रपति को, याद रखना उपराष्ट्रपति को। और जब हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होता है इसको शपथ कौन दिलवाएगा, राष्ट्रपति दिलवाएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो राज्य जो होता है उच्च न्यायालय, राज्य के उच्च न्यायालय होता है उसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसको शपथ दिलवाता है, जिसे देश के लिए राष्ट्रपति होता है, राज्य के लिए जानते हैं राज्यपाल होता है, सो क्या होता है यहाँ पर राज्यपाल उसको क्या करेगा आपका शपथ दिलवाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन में देखिए 64 के बाद 66 तो देख ही लिए, अब 67 ने आपका 71 नंबर क्वेश्चन कहता है सबसे पहले पहिए किसके बने थे, तो याद रखना बने जो पहिया था लकड़ी के बने होते थे और पहिया का जो आविष्कार हुआ था नव पाषाण काल। और अग्नि का जो आविष्कार हुआ पूरा पाषाण काल में, युग में पूरा पाषाण काल। नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ 71 के बाद क्वेश्चन नंबर आपका 73, निम्नलिखित में किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है, तो आप हमारे वाईके मैथ एंड साइंस क्लासेस चैनल पे जाइएगा, वहाँ पर एक साइंस का ट्रिक का प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पर आपका ग्रीन हाउस गैस का ट्रिक बताएगा, ओ मीना कल काजल लगाना ट्रिक देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ग्रीन हाउस गैस कौन सा है। नेक्स्ट आपका देखेंगे क्वेश्चन आपका 76, निम्नलिखित में किस कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को हटाती है, मतलब कि जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में उसको कौन सी प्रक्रिया हटाती है, तो हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण कहता है हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है क्लोरोफिल बनना उसमें पाया जाता ना, उसके कारण वो अपना भोजन स्वयं बनाता है, जिसमें क्या करता है हम जानते हैं क्या करेगा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, तो इसके लिए आप स्पेशल यहाँ पर आपका प्रकाश संश्लेषण का वीडियो है। नेक्स्ट आपका यहाँ से आगे हम करेंगे तो आपका देखेंगे, याद रखना दिन में रात में वही चीज होता है, रात में क्या होगा रात में सूर्य की प्रकाश नहीं होती है तो रात में पौधे भी ऑक्सीजन नहीं लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। देखते हैं नेक्स्ट आपका 76 के बाद आपका 87 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, भीम बेटका की गुफा कितने साल पुरानी है, बहुत पुरानी है भीम, ये लगभग 30,000 साल पुरानी है भीम बेटका की गुफा, याद रखना 30,000 साल लगभग पुरानी है। नेक्स्ट है मालविक अग्निमित्रम किसने लिखा है, तो ये आपका कालिदास का लिखा हुआ ये याद रखना आपका रघुवंशम ये सब भी इसी का आपका है। नेक्स्ट आपका देखेंगे किस बैक कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु के बहती है, और आपको इधर बीच याद होगा कि इधर बीच बहुत चर्चा में रहा कावेरी जल विवाद, यही नदी दोनों का राज के बीच बहती है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन किस व्यक्ति ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक जीते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा याद करने वाला क्वेश्चन माइकल फेल्प्स। नेक्स्ट आपका यहाँ से देखेंगे 90 के बाद आपका क्वेश्चन है 93 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो उस समय की बात थी उसमें आपका ऑप्शन के अनुसार देखिएगा तो डॉक्टर नसीम जैदी, लेकिन अभी की बात करेंगे तो आपका सुनील अरोड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त। नेक्स्ट आपका देखेंगे
जीका वायरस किससे होता है? 96 नंबर क्वेश्चन, जीका वायरस किससे होता है? तो जीका वायरस एक मच्छर के काटने से होता है, ये मच्छर जनेगा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है, और ये सबसे अधिक जो मस्तिष्क को प्रभावित करता है, इसके बारे में जाना। तो ब्राजील में आपातकाल की घोषणा किया गया था। नेक्स्ट आप देखें ग्रेफीन क्या, ग्रेफीन एक कार्बन का अपरूप है, मतलब ग्रेफाइट देख सकते हैं, और यह विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट, और इसका अपवर्तनांक जानिए अपेक्षित धनात्म 2.2 होता है। किसका हम बात करेंगे? ग्रेफाइट का, और जानते हैं अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता। नेक्स्ट आप देखेंगे, ये तो देखिए आपका हीरा जानते पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर चमकता है, इसके आधार पर देख लीजिए हीरे में कार्बन का जो प्रसंस्करण होता है हीरा में होता है sp3, और बात करेंगे ग्रेफाइट में होता है sp2। याद रखना हीरे में कार्बन का प्रसंस्करण होता है sp3 और ग्रेफाइट में होता है sp2। याद रखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और पूछा जाने ये बार बार पूछा भी जाता, और हीरे का अपवर्तनांक जानना आपको कैसे, तो 2.41 समथिंग होगा, तो 417 इसको हम 2.42 भी कह सकते हैं। और जो एक कुछ हीरा क्या था काला होता है, याद रखना कुछ हीरा क्या था काला होता है, जिसे काला हीरा को क्या कहा जाता है बोर्ड कहा जाता है बोर्ड, और ये क्या कहता है इसको शीशा काटने में यानी कांच को काटने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से आज महत्वपूर्ण हम देखिए आपका जो भी जीते था उससे संबंधित एक्स्ट्रा बहुत से क्वेश्चन देखे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल SPL डिजिटल क्लब को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबा के और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, जिससे क्या होगा आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलेगा। साथ ही हमारा दूसरा चैनल है YK मैथ एंड साइंस क्लासेस, जहाँ पर आपको मैथ एंड साइंस की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। धन्यवाद।